दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अर्की की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक एसडीएम कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम अर्की केशवराम ने की। कनिष्ठ अभियंता एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर लेखराम कौंडल ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित मांग पत्र रखे गए। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की मांग भी रखी गई। बैठक में कर्मचारियों से संबंधित कई अन्य मांगें रखी गई, जिस पर एसडीएम अर्की ने कहा कि कर्मचारियों की इन मांगों को सरकार के पास भेज दिया जाएगा। 21 मत जो कर्मचारियों के लगे थे, उन मतों पे सभी विभागाध्यक्षों ने अपना जो है हमें ये आश्वासन दिया है और सब पे विचार विमर्श किया गया कि आपके ये सारे मत जो है महीने और 15 दिन में जो ये मत सॉल्व कर दिए जाएंगे। कुछ डिमांडे हमारी सरकार को भेजने की थी, वो डिमांडे जो है सरकार को गई और ये बैठक जो है बड़े सद्भावपूर्ण से हुई। मैं सभी एसडीएम साहब महोदय का और सभी विभाग अध्यक्षों का ये निवेदन भी करूंगा कि ये हमारी जो है डिमांडे जल्दी से जल्दी पूरा करें और इनका धन्यवाद भी करूंगा इस बैठक के लिए। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कर्मयोगी इकाई अर्की की बैठक पिछले 15 सालों में पहली बार विधिवत एसडीएम साहब के साथ हो रही है। मुझे जहाँ तक जानकारी हुई, अर्की बहुत जागृत कर्मचारियों का गढ़ रहा है, लेकिन विधिवत इस इकाई की कभी बैठक एसडीएम से नहीं हो पाई। आज ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय एसडीएम केशवराम जी कोहली की अध्यक्षता में सभी विभागों के साथ हमारी विभिन्न मांगों पर चर्चा जारी है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक होने जा रही है। राष्ट्रपति कर्मचारी महासंघ पिछले एक वर्ष से प्रदेश में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को सुलझा रहा है। उसी क्रम में जिला स्तर पर डीसी कृतिका कुल्हाड़ी जी की अध्यक्षता में हमारी डिस्ट्रिक्ट एनजीओ की बैठक हो चुकी है। आज हमारा सौभाग्य है कि अर्की यूनिट की बैठक में हम विभिन्न मांगों को कर्मचारियों से संबंधित सुलझाने जा रहे हैं। किसी के कोई ड्यूज पेंडिंग है, कहीं कोई रेस्ट हाउस की मरम्मत नहीं हुई है, कहीं कोई जेई वर्क इंस्पेक्टर सर्विस के क्वार्टर नहीं है और कई मेडिकल विभाग में कुछ कर्मचारियों के पद भरे नहीं गए हैं, कुछ शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी है। इन सारी मुद्दों को लेकर ही एसडीएम साहब से वार्ता चल रही है और इसमें सभी विभागों ने अपना पूरा प्रतिनिधित्व दिया है। ये बैठक सौहार्दपूर्ण में वातावरण में हो रही है और इस बैठक से अर्की स्थित कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का निदान होगा। इतना ही। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अर्की से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन।